भाई देखो यार, ये फ्रेम ऐसा बनाना है जिसमें आईडी ना आए। आईडी ना आए, अरे सबको लगेगी ना अब तो। जी, ज्ञानव्यापी पर एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है। एसआई के सर्वे। मैं देश का संस्कृति मंत्री रहा हूँ, तब मेरा जो अनुभव है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग देश की ऐसी संस्था है जिसकी देश में तो प्रतिष्ठा है ही, दुनिया में और भी ज़्यादा वो प्रतिष्ठित है। हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स जाकर पुरातात्विक संरक्षण का काम करते हैं और वहाँ अनुसंधान का काम भी करते हैं, इसलिए दुनिया की आर्कियोलॉजी में इस एएसआई का बड़ा अहम योगदान है। राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय भी एएसआई की जिस टीम ने काम किया था वो मूर्धन्य पुरातत्ववेत्ता थे, उसमें के मोहम्मद साहब जैसे लोगों का भी नाम उसमें था। तो मुझे लगता है कि इतिहास को इतिहास के चश्मे से देखने का काम कोई अगर करता है तो वो एएसआई करती है, इसलिए उनके तथ्यों को देश भी स्वीकार करेगा और दुनिया भी स्वीकार करेगी। न्यायालय ने जो निर्देश दिए थे उसमें उन्होंने अपना रिपोर्ट जारी की है, प्रस्तुत किया न्यायालय के सामने, सबका ज्ञानवर्धन इससे होगा। भाई साहब, ये अभी दिग्विजय सिंह ने एक ईवीएम को लेकर फिर एक बार प्रश्न उठा दिए, मुझे अब वो चुनाव आ गया है तो फिर वो बोलेंगे, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग को जोर नहीं देना चाहिए। जी।